क्या आप भी यंग इंडिया की यंग जनरेशन है? सो बेसिकली आजकल जो है इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है दैट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट? आपका खुद का एक स्टार्टअप रन करें और उस स्टार्टअप को जो है एक बिजनेस में कन्वर्ट करके जो है लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो है बनाना चाहते हैं, और ये अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो आज की डेट में फेल हो रहे हैं, बिकॉज ये सारे स्टार्टअप जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या आप भी उनमें से हो जिन्होंने ये मिस्टेक करी है? अब ये मिस्टेक क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, चलिए सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि ये मिस्टेक है क्या। और मिस्टेक जो है बहुत कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, और ये बिजनेस को कंप्लीटली फेल करने वाली मिस्टेक है। मतलब इसको कोई पैरामीटर्स नहीं डिफाइन कर सकते, तो इसलिए ये कंप्लीटली 100% फेलियर जो की तरफ आपको लेकर जाएगी। एंड जितने भी यंग हैं वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, राइट? स्टार्टअप के साथ में वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, दैट टू डू डिजिटल मार्केटिंग देमसेल्फ। डिजिटल मार्केटिंग खुद करना एक सबसे बड़ी गलती है। अब ये गलती क्यों है वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और यहां पर गलती क्यों हो रही है आप जब खुद कर रहे हो तो वो भी पूरा यहां पे मैं बताऊंगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर बहुत अलग अलग जो है टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, हर बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग अलग तरीके से इसमें जो है काम करना होता है। इसी वजह से जो यंग जनरेशन जो अपने स्टार्टअप्स करती हैं और खुद जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उनके पास में प्रॉपर नॉलेज गाइडेंस नहीं है। वो कहीं ना कहीं 2-3 यूट्यूब चैनल अच्छे ले लेते हैं, और वहां पे जो यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं दे आर एक्सपर्ट इन टू डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने अपना जो है फंडामेंटल्स डिजिटल मार्केटिंग का क्लियर कर रखा है, दैट इज वाई दे आर क्रिएटिंग अ गुड कॉन्टेंट ऑन द डिजिटल मार्केटिंग। बट somehow हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं विदाउट नोइंग दी फंडामेंटल्स। हम डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाते हैं, एडवांस लेवल सीखते हैं और अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हैं और 100% फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पहला जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है दैट टू मेक अ ब्रांड। अब ब्रांडिंग के लिए आपको चाहिए होता है नॉलेज अबाउट दी ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको जो है ये जो फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह हो गया, जो इतने भी सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो क्रिएट करी जाती है, उसका आपको जो है नॉलेज नहीं है, तो आप एक जो प्रोफेशनल लुक आना चाहिए वो आपकी ग्राफिक के अंदर नहीं आ पाता है। ये पहला आपका जो है गलती होती है। दूसरे मिस्टेक क्या होती है कि खुद ही SEO करने की कोशिश करते हैं। SEO अंडरस्टैंडिंग और उस पर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स नॉट दैट इजी जब तक आप अनटिल अनलेस आप उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीख नहीं लेते हैं। क्योंकि SEO के अंदर बहुत सारी रिसर्च करनी होती है और वो रिसर्च जो है वो यहां पर नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम SEO कर रहे हैं लेकिन SEO नहीं हो रहा है। इस वजह से वो भी आपका फेलियर हो जाता है। आप सर्च इंजिन में कहीं पे अपनी प्लेस बना ही नहीं पाते हैं और ट्रैफिक नहीं आएगा तो डेफिनेटली बिजनेस स्टार्टअप जो है फेल होना ही है। तीसरा जो हम बात करें दैट इज दी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है बहुत लोगों को लगता है कि शायद सोशल मीडिया पेज बनाना या कोई प्रोफाइल क्रिएट करना, देन उसके ऊपर में बस अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको वहां पे जो है टाइम डालते रहना जो है दैट इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये गलत है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो है उस पर काम किया जाता है, उसके बाद ही जो हमारा गोल अचीव करना है, जो हम चाहते हैं गोल अचीव करना, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर गोल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर में जो है प्लानिंग करते हैं, तब जाकर वो सक्सेस होता है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है कि वहां पे सिर्फ पोस्टिंग करना जो है हमारे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग है। फिर अगर हम बात करें दैट इज योर
सिंपल सी बात है, पेड मार्केटिंग की तरफ में भी बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं कि चलो यार इसमें तो ऑर्गेनिक वाले में तो पता नहीं कितना समय लगेगा, तो इसीलिए वहां पे क्या करते हैं पेड मार्केटिंग। अब पेड मार्केटिंग में जो है गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं। अब लेकिन फेसबुक एड्स और जो गूगल एड्स हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे ये हमारे साथ में बिजनेस में इंटीग्रेट होंगी, कैसे हमें इससे एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, ये जो है हमें नहीं पता होता है। तो ये जो कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं मैंने वही यहाँ पे कवर करे, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और भी काम करना होता है, ऑन पेज एसईओ करना होता है, ऑफ पेज एसईओ करना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वाकई चाहते हैं कि आपका जो स्टार्टअप है उसको एक बहुत बड़े ब्रांड के अंदर या बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही मैं आपको हिदायत दूंगा, डू नॉट ट्राई डिजिटल मार्केटिंग योरसेल्फ, क्योंकि खुद आप करोगे फेल हो जाओगे। अनटिल अनलेस आपके पास में एक परफेक्ट नॉलेज नहीं है, आपने कहीं से प्रॉपरली सीखा है तब आप उसको अप्लाई करेंगे तो सही है, अदरवाइज सिर्फ यूट्यूब से स्टडी कर लेने से या दो चार वीडियो देख लेने से आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ जाती है। तो इसलिए जो है आप अगर सक्सेसफुल बिजनेस एक अपना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करें, और अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो डेफिनेटली हमारी ये कंपनी TGM इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये ऐसे स्टार्टअप्स को जो है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली में आपको एक महीने का पैकेज प्रोवाइड करती है मंथली बेसिस पे, जो कि आपके भी एक नए स्टार्टअप के लिए भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो डिजिटल मार्केटिंग की, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम अलग है, आपकी SEO की टीम अलग है, राइट, टेक्निकल टीम अलग है, और आपका जो है जो पेड मार्केटिंग है उसकी टीम अलग। तो ऐसे में हम जो है पूरा प्रॉपर तरीके से आपके बिजनेस का जो है देख रेख करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग करते हैं, सो दैट कि आपका जो स्टार्टअप है वो एक आपके बड़े ब्रांडिंग जो आप बनाना चाहते हैं, जो बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं उसकी तरफ में अग्रसर हो। सो इसीलिए आप जो है हमें ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट। एंड अगर आप जो है खुद जानते हैं उसमें आपको कुछ गाइडेंस चाहिए है तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप हमें जो है रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।